कार्ड को लिया। आउटफिट कैसा लग रहा है? अच्छा हाँ, मतलब यू लुक नाइस, सूट पूछने के लिए आई जिस पर अंकिता ने भी कहा कि पता था मैं नहीं, मैं जानबूझकर बाहर की शायद दिस थिंग्स विल एग्रीवेट अंकिता सी, नहीं उसने सूट मेरे को शायद आके बोला मुझे पता है मैं इसको कैसे, मैं क्योंकि ये लूज है तो मैं ऐसा पहन लूं, तो मैंने देखो मैं सच में बोलता हूँ, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन ऐसा 100 बार हुआ है कि अगर हम लोग बाथरूम पे हैं और मुनव्वर तैयार होके आया है और उसने पूछा अंकिता से मैं कैसा लग रहा हूँ, शर्ट कैसी लग रही, तो अंकिता ने 10 बार उसको बताया कि आपका ये अच्छा लग रहा है वो लग रहा है, मैं भी वहीं बगल में खड़ा होता था, लेकिन क्योंकि मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछता ना तो शायद वो चीजें चली जाती है ना, तुझे चिढ़ा नहीं रहा होता है? अरे मैं चिढ़ाने की बात ही नहीं, यहाँ पे मनारा को भी समझना चाहिए दैट शी शुडंट डू दिस, नहीं कोई बात ही नहीं, ज्यादा ही बातें हो गई विक्की भैया, मैं बंद हो जाती हूं, पर मनारा अच्छा तूने बोला था मुझे याद नहीं, तो इन लुक्स ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, मैंने ये नहीं बोला सेक्सी लगेगी, आई जस्ट सेड कि हाँ अच्छा लगेगा, मतलब ठीक ही लगेगा, नाइस लगेगा, टच और यहाँ मनारा को समझना चाहिए, क्यूट टॉपिक, क्यूट टॉपिक, मतलब यार क्यूट क्यूट, मेरी मम्मी मुझे पीटेगी, नहीं आप क्या पूछ रहे थे मैम, मैं उनको मैं से बोल दिया, मतलब ये नहीं बोला सेक्सी लगेगी, मैंने ऐसे बोल दिया कि हां नॉर्मली बोला था ना कि हां देख लो, यस आई वाज सो हॉट, मुझे लग रहा था चिढ़ा रही है, हेलो एवरीवन, हाय हाय, हेलो हेलो, यस यस, लाल सूट मैं कल पहना, अरे ठीक है यार, मैं लाल सूट कब पहना, मैंने तो पूछ रही थी क्वेश्चन, मैं हां मैंने भी तो पूछ रही थी, ऐसा तो ज्यादा तू रिकॉर्ड लाई नहीं, वो नहीं कहा, अरे बोलने मनारा 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 कोई जरूर बोलने दो, जी जी जी, ओके सॉरी, so okay I'm Gayatri from Pink Villa and congratulations to everyone over here, धन्यवाद, मेरा सवाल मुनव्वर आपसे है कि आपकी स्माइल, मेरा फन में स्माइल से लग रहा है कि you know, सॉरी 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 मैं नहीं सुन पाया, नहीं आई एम सेइंग कि आपने जिस तरह से स्माइल किया, मैंने जब कहा मेरा सवाल आपसे है, यू न्यू दैट समथिंग इज कमिंग, ऑफ कोर्स, ओके ओके आई विल गेट टू द क्वेश्चन, आयशा ने जब घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री की, उन्होंने ये बताया कि आपका जो रिलेशनशिप बाहर था वो ख़त्म हो चुका था, उसके पहले तक ये नहीं पता था कि रिलेशनशिप में हो या नहीं, लेकिन आप आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेकर एक गुड बॉय और लॉयल बॉयफ्रेंड का इमेज बनाकर रख रहे थे, अगर आयशा ने ये रेवलेशन नहीं की होती तो क्या आप गुड बॉय लॉयल बॉयफ्रेंड का जो टैग है ये इमेज पोर्ट्रे करते करके करके आगे जाते, क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी रहती? क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब आते हैं और लास्ट टाइम जब हम मैं यहाँ पे आ रहा था तो एक कॉन्वर्जेशन था जिसमें मैंने क्लियरली बोला था दैट यू नो दैट मैं कहीं भी दूर जाऊँगा एंड आई विल रियलाइज़ कि मैं क्या लूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ आकर मैंने पहले 1-1.5 हफ्ते तक जिक्र तक नहीं किया था, बट सामने से आता था कि हमको तो पता है तेरा, तो उसके साथ तो मैं बोलता हाँ हाँ है, बट 1-1.5 हफ्ते के बाद जब मुझे भी चीज़ें रियलाइज़ होने लगी और मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि आई कैन रिपेयर समथिंग, और मुझे पब्लिकली ये चीज़ रिवील ही नहीं करनी है, जब आयशा ने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली है तो उन्होंने आयशा को कहा था दैट आई एम नॉट कम्फर्टेबल यू शेयरिंग ऑल दिस देयर, क्या आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की ये वहाँ पे मत करना, क्योंकि उनको भी मेकर्स ने ऑफ़र किया था, उन्होंने मना कर दिया, तो कोई रीजंस होंगे ना कि वो नहीं चाहते कि मेरे साथ ये हो या हमारे दोनों की प्राइवेट चीज़ें बाहर आए, ये तो आयशा पे एक सिचुएशन आई और आयशा के पास था तो बोले हेलो भाई भाड़ में गया, उसने मना भले किया हो लेकिन मैं बता देती हूँ, तो वो उसके लिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, बट उन्होंने वो किया, तो मैं हमेशा से कोई गुड बॉय ये वाला नहीं बना रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं जेन्यूनली उसे मिस करता था और जेन्यूनली मुझे वो फील होता था, और वो ऐसी सिचुएशन आती थी और मैं कहीं ना कहीं ज़िंदा रखा हुआ था उस चीज़ को एक उम्मीद पे कि शायद मैं कहीं जाकर बाहर जाकर इस चीज़ को मैं ठीक करना चाहूँगा, और जब अगर मैं यहाँ पे आकर रियलाइज़ कर रहा हूँ दैट मैंने बहुत गलतियाँ करी और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ इंसान के साथ मुझे रिपेयर करना है, तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं उस जोन में था और अभी भी कहीं ना कहीं मैं उस जोन में हूँ, बट वही है कि आप यहाँ बैठते हो आपको पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान ये सब देखकर कौन सी चीज़ से गुजर रहा है, आपको नहीं पता कि शायद वो इंसान आपके बिना ही तो बेहतर नहीं है,
तो वो भी आपको बाहर जाके फिगर आउट करना है. तो उसकी वजह से मैंने द डे शी केम, मैंने उसके बाद से उसका जिक्र करना बंद किया कि नहीं, अब मैं बाहर जाकर ही उनसे बात करूँगा, जो उनके लिए बेहतर होगा वो आगे हो मेरी साइड से. तो कहीं बस वही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था. इसी का एक और एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि जब आप आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेते थे पहले, आयशा की एंट्री से पहले, आपने कहा कि क्लोजर नहीं मिला था, आप लोगों का जो रिलेशनशिप था क्लोजर नहीं मिला था, आपको भी उनको भी. तो आपको नहीं लगता है कि उनकी इजाज़त के बिना उनका नाम पब्लिकली लेना सही है? जहाँ तक हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, क्लियरली क्लोजर नहीं था. बट आई डोंट, मुझे, मैं 100% श्योर हूँ कि उनका नाम यहाँ पे लेने पे उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी. ये चीज़ को लेके मैं बहुत श्योर हूँ. और कहीं ना कहीं जब मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ, उनको पता होगा कि ठीक है वो जेन्यून होगा. बट जस्ट बिकॉज उनके सामने कुछ और चीज़ें रिवील हुई, उसकी वजह से उनका गुस्सा आया होगा. बट जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे उन यहाँ पे उनका नाम लेने से उनको प्रॉब्लम नहीं होगी. क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों ही रेडी नहीं थे पब्लिकली ये बताने दैट हम लोग साथ नहीं हैं. तो अगर मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहता और वो भी नहीं बताना चाहते कि हम साथ नहीं हैं, इसका मतलब यही है कि मैं नाम लूँगा तो वो ओके होंगे. ये तो अब आप जब उनसे बात करेंगे तभी पता चलेगा बाहर जाकर. यस यस. हेलो, मेरा नाम किशन है और मेरा ओके अंकिता, मेरा सवाल आपसे है कि मुझे ये पूछना है आपसे कि आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया विक्की भाई के लिए कि विक्की भाई ऐसा है, विक्की भाई वैसा है, इसलिए सभी लोगों ने यहाँ पे एक सवाल पूछा है विक्की भाई के लिए. लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि विक्की भाई मनारा के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या खानजादी के साथ फ्लर्ट करे. ही इज़ जस्ट टॉकिंग, बात करते थे अपने गेम के रिलेटेड. लेकिन आपने वो नैरेटिव सेट किया, तो आपको नहीं लगता कि आपने मनारा या दूसरे लोगों के लिए नैरेटिव सेट किया है आपने, और आपकी ये हरकतें ऐसी इसी के वजह से ही आपके पहले के रिलेशनशिप टूटे हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवनेस? आप क्या कहना? मुझे पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करनी सर, बिकॉज जो पास्ट था वो पास्ट था. लेकिन हाँ एग्जैक्टली अगर मैंने विक्की से जो भी बातें की है, जो तभी की है जो मैंने फील की है, मैं किसी का नैरेटिव, ये नैरेटिव ये बिग बॉस में आके मैंने सीखे हैं वर्ड्स, मुझे पता भी नहीं थे. लेकिन यस, अगर मैं घर पे भी जब मुझे कोई चीज़ फील होती. आपने कहा कि नहीं, मैं समझ गया आपका. आपने मनारा ने कहा कि आपने कहा कि मनारा जानबूझ का करती है, तो आपको तो मालूम है कि जानबूझ का वो कर रही है, तो आपको हो जाना चाहिए कि नेशनल टेलीविजन में. मैं क्यों सोचूं, मैं अगर ये रियलिटी शो है ना, मैं वो करूँगी जो मैं रियली फील कर रही हूँ. इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको स्क्रिप्ट लिख कर नहीं आई हूँ. मुझे जब जो फील हुआ है, मैं अपनी इमेज बाहर से एक अच्छी इमेज ही लेकर आया, और यहाँ से भी मैं अच्छी इमेज, हम एज अ कपल भी अच्छा ही लेके जाएंगे. क्योंकि आई थिंक मैं जो फील कर रही हूँ एज अ कपल, अगर विक्की और मैं कुछ बात भी करती तो बहुत रियल है. यू नो एज अ कपल मैंने, अगर मैंने फील किया कि मनारा ये कर रही है, मेरे को फील हुआ है, मुझे हर्ट हुआ है, मेरी आंखों में से आंसू, मुझे बता देते कि मनारा यार मेरी वाइफ, मैं वही तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरे पति से. मे बी वो फन में भी ना बोलती, मेरी तो आदत है फन में बात करने की. आप बहुत फनी है मनारा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं अपने, आप विक्की के लिए नैरेटिव जो बोल रहे हैं राइट, मैं अपने वही बोल रही हूँ. मैं नैरेटिव सेट नहीं कर रही हूँ, ये मेरे को इस सोच के साथ मैं कोई नैरेटिव सेट कर रही हूँ ऐसा कुछ नहीं. अब हमारे मुँह में वर्ड्स आने लगे, लेकिन एट दैट टाइम आई रियली फेल्ट हर्ट. मैं इमोशनली बहुत, मैं हमेशा मेरी विक्की से डिमांड रही है कि विक्की मुझे लगता है इमोशनली अनअवेलेबल हो मेरे लिए, और ये मुझे फील हुआ इस घर में और स्ट्रॉन्ग. तो मैंने उनको ये चीज बताई है, तो मैंने कोई नैरेटिव सेट नहीं किया. यस, हो सकता है ये बार-बार रेपिटेटिव हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत बार दिखी होंगी, लेकिन मैं सच में बहुत बार मेरे को फीलिंग आई और मैंने वो विक्की को बताया. लेकिन मैं उसके बाद, जहां तक मनारा का बात आती है, मनारा मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ थी पहले से, इनका और मेरा बहुत प्रॉब्लम चला है. और उसके बाद मेरे को इनका पैटर्न जो नजर आया कि अब इनसे प्रॉब्लम है तो इनके पति से बात करूंगी, तो वहां मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो मुझे प्रॉब्लम थी. मैंने कभी ये नहीं बोला कि इनका कोई रिलेशनशिप है, मुझे इनकी चिढ़ाने से प्रॉब्लम थी. मैंने कभी ये दोनों पर सवाल नहीं उठाया, ना मैं करूंगी, क्योंकि गलत होगा स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे विक्की भाई बोलती है वो उसको, वो मेरा प्रॉब्लम. मेरे को बस ये लगता है कि क्यों इतना मनारा मनारा करता है, माई पॉइंट इज दैट. तो वो मेरा अपना पर्सनल मेरे हस्बैंड के साथ है, बट That's it. नहीं था ही सास है
ये इतना जूम कर के हर चीज देखते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जानना। अच्छा एक चीज मेरे को बोलनी है, मैंने मुनावर को कभी ये नहीं बोला, मेरे को वो चीज एक्चुअल में क्लियर करनी है क्योंकि मेरे वो माइंड में चल रही है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैंने अभिषेक बहुत सारी बातें बोलनी होती हैं। बस बस हो गया, बस बस मत गलत चला गया वो, मत कर साले, तूने भी नहीं बोला। अरे मत कर, वो क्लियर हो गया। प्यार की बात आई है, टेलीविजन की जो बात आई है, बात मत कर। आई रियली वांट अंकिता, आपके पास भी बहुत सारी बातें बोलने का मौका था। क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं क्या करूंगी। बिग बॉस सीजन 17, मैं इस बार बायस था लेकिन डंके की चोट पर, और आप भी प्रेस हैं, डंके की चोट पर ही सवाल करते हैं और वो भी सबसे। आप मत डरिएगा, आपको कतई बायस नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद को बोला था बायस। स्मार्ट। आपसे भला कौन बच पाया है, और इसकी झलक मेरे इन मोहल्ले वालों ने आज साफ साफ देख भी ली है। मैं प्रेस का इस मोहल्ले में आने और 14 हफ्ते लंबे इस सफर से जुड़े ढेर सारे सवालों के जवाब जानने के लिए ढेर सारा शुक्रिया करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खत्म होती है, सभी मोहल्ले वाले एक साथ मोहल्ले के अंदर आ जाएं। फॉरन बिग बॉस फोटो मांग रहे थे, नहीं नहीं बोल दिया फॉरन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू, एंड आई एम गोइंग टू रिमेंबर फोटो। प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वो फोटो, सुन सुन, वो फोटो सभी मोहल्ले वाले फॉरन मोहल्ले के अंदर।